आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बढ़ती हुई गैस, पेट्रोल व डीजल की महंगाई से गरीब से लेकर किसान तक परेशान है, तो उज्ज्वला गैस योजना पाने वाले गरीबों को फिर से चूल्हा जलाने की मजबूरी दिखाई देने लगी है और गैस ना भरा पाने की मायूसी भी झलक रही है, जिसको लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के दिशा निर्देशन के बाद बाराबंकी जिले के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष राजेश शर्मा फक्कड़ के साथ टिकैत नगर अन्य पदाधिकारियों ने सिरौली गोसपुर SDM को पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तीनों चीजों को GST के दायरे में लाने के लिए, ताकि इसका रेट लगभग 25% माइनस हो सके, इसी बात को लेकर एक ज्ञापन सिरौली गोसपुर SDM के माध्यम से वित्त मंत्री भारत सरकार को दिया गया, ताकि इस पर विचार करके इन तीनों चीजों को GST के दायरे में लाया जा सके। GST टैक्स जमा करने में व्यापारियों से यदि भूलवश गलती होने पर अर्थदंड न लगाया जाए तो वहीं गांव की गरीब जनता को महंगाई से राहत मिल सके, जिसको लेकर तहसीलदार अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी क्रांति कश्यप, सुनील गुप्ता, मुन्ना रायन के साथ अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जो आप लोग द्वारा आज तहसीलदार महोदय सिरौली गोसपुर तहसील में आप ज्ञापन दिए हैं, किस संबंध में? ऐसा है, हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग आज यहाँ तहसील सिरौली गोसपुर में SDM साहब के माध्यम से वित्त मंत्री भारत सरकार को एक अपना ज्ञापन देना चाहते हैं कि जैसे सिलेंडर है गैस का, पेट्रोल है, डीजल है, तो इसको GST के दायरे में लाना चाहिए। अगर इसको GST के दायरे में ले आएंगे तो इस पर कम से कम 25% माइनस हो जाएगा, और जैसे GST के अंतर्गत व्यापारी अगर किसी भूलवश कागज़ वगैरह जो टैक्स जमा करने में अगर त्रुटि हो जाती है तो उन पर जो है अर्थदंड लगाया जाए, इसके लिए और हम निवेदन करेंगे अपने वित्त मंत्री जी से कि GST के दायरे में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर बताए जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।